नमस्कार, आप देख रहे हैं AHO न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। देश में बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर ढाका कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष इम्तियाज़ अख्तर के नेतृत्व में ढाका गांधी चौक से लेकर आज़ाद चौक होते हुए मोतिहारी रोड पेट्रोल पंप तक विरोध मार्च निकाला गया। दरअसल आपको बता दें कि इस मौके पर कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष इम्तियाज़ अख्तर ने कहा कि देश की ये निकम्मी सरकार कुछ व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश को गिरवी रखनी चाहती हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरू से लेकर अब तक देश के जनता के साथ खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। इस मौके पर कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे।